टॉप 4 बेस्ट सैमसंग 5G स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 रुपीज। तो दोस्तों, क्या आप भी यहाँ पर एक नॉन चाइनीज फोन ढूंढ रहे हैं? क्या आपको भी सैमसंग की तरफ से एक अच्छा सा 5G स्मार्टफोन लेना है? तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप ही के लिए होने वाली है। और यहाँ पर ना केवल आपको 5G बैंड्स मिलेंगे बल्कि अच्छी खासी और टॉप क्लास की परफॉर्मेंस होगी, साथ ही दमदार फीचर्स और अच्छे खासे कैमरास का सपोर्ट भी मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। ये दोस्तों, शुरू करते हैं इस लिस्ट को, और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सैमसंग का गैलेक्सी M13 5G। ये फोन भी आपको डिजाइन और बिल्ड के मामले में काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। साथ ही फोन की डिस्प्ले की बात कर ले तो फोन के अंदर आपको मिलती 6.5 इंच की एक HD+ वाली IPS LCD पैनल, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, 400 निट्स की ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिलती है। लेकिन याद रहे कि आपको यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है। डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ी सी एवरेज है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं डबल कैमरास, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, और सेल्फी के लिए आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है, लेकिन मेन कैमरा से आउटपुट अच्छे मिल जाते हैं। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 का चिपसेट, जो कि दोस्तों 7nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। तो हीटिंग वगैरह आपको यहाँ पर काफी कम देता है, और वैसे ये स्मार्टफोन लगभग 3.25 लाख के आसपास स्कोर करता है अंतिम पर। सो देखा जाए तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी देता है, लेकिन यहाँ पर भी आपको LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 वाला स्टोरेज देखने को मिल जाता है। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी, 15W की चार्जिंग, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। सो बैटरी मॉड्यूल यहाँ पर आपको ठीक दिया गया है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और अच्छी बात यह है कि स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 के कोर एडिशन पर, लेकिन बहुत जल्द आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी मिलेगा। वैसे अच्छी बात है कि ये स्मार्टफोन आपको 11 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे लगभग 12,000 रुपये। वहीं पर 6 और 128 के लिए आपको देने पड़ेंगे पूरे के पूरे 14,000 रुपये। और बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है, पर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर बहुत अच्छे दिए गए। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की फुल HD+ वाली PLS LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, अप टू 500 निट्स तक की ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिसेंट देखने को मिलेगी। बात करते हैं आप यहाँ पर कैमरास की तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो शूटर दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर डिसेंट है। आउटपुट की बात करें भाई तो डे लाइट में आपको यहाँ पर फोटोज में कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 FPS। चलिए परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो इस फोन के अंदर आपको 5nm बेस एक्सिनोस का 1330 का चिपसेट देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो चिपसेट है ये कॉम्पिटिटर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का, जो कि आपको यहाँ पर ओवरऑल CPU परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है। हालांकि गेमिंग आपको यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं करा सकता, लेकिन आपको डेली जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी निकाल कर देता है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 वाला स्टोरेज आपको यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो इस फोन के बैक साइड में 6000mAh का बड़ा सा बैटरा आपको मिलता है, और साथ ही साथ ये फोन 25W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। हालांकि दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, साथ ही साथ चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। तो ओवरऑल बैटरी तो अच्छी है, लेकिन चार्जर बॉक्स के अंदर होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो यहाँ पर मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, और तो और ये फोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर, लेकिन यहाँ पर आपको कोर एडिशन देखने को मिलता है। पर ओवरऑल सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ गाइस, ये जो फोन है ये आपको लगभग सभी 5G बैंड के सपोर्ट के साथ में मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग की दोस्तों, तो इस समय 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 11,490 रुपये, और साथ ही साथ स्मार्टफोन का 6 और 128 वाला वेरिएंट आपको मिल रहा है 12,490 रुपये की कीमत पर। फाइनली बात करें लिस्ट के आखिरी फोन की दोस्तों, तो यहाँ पर हमने रखा हुआ है सैमसंग का गैलेक्सी F23 5G। चलिए फिर दोस्तों बढ़ते हैं लिस्ट के अगले फोन की तरफ, और अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ है यहाँ पर सैमसंग का गैलेक्सी M34 5G, या फिर आप इसे F34 5G भी कह सकते हैं।
फोन पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ में आपको देखने को मिलने वाला है, यानी कि प्लास्टिक की बैक आपको मिलेगी, बट ओवरऑल यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी दी गई है। और साथ ही 8.8 मिलीमीटर की थिकनेस और 208 ग्राम के साथ में आता है, क्योंकि फोन के अंदर आपको यहाँ पर बड़ी बैटरी भी दी गई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले। साथ ही आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट दिया गया है। और रही बात गेमिंग की, तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी मिलती है। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको बहुत अच्छी दी गई है। हालांकि वाटर ड्रॉप नॉच की जगह पर यहाँ पर पंच होल होता तो और ज्यादा कमाल हो जाता। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है, और यहाँ पर आपको OIS का फीचर भी दिया गया है। साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस लगा हुआ है। 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। रही बात इमेज क्वालिटी की, तो इमेज क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली, काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया, तो आपको यहाँ पर इमेज आउटपुट काफी अच्छे मिलते हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30 FPS। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का F2.0 वाला सेंसर, जो कि आपको यहाँ पर डिसेंट क्वालिटी की आउटपुट निकाल कर दे देता है। और रही बात वीडियो आउटपुट की, तो फ्रंट कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30 FPS। सो ओवरऑल कैमरा के मामले में ये फोन काफी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के प्रोसेसर की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 5nm बेस 1280 का चिपसेट, और यहाँ पर आपको दिया गया आम वाली G68 का GPU, जो कि आपको यहाँ पर डिसेंट लेवल की गेमिंग कराने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर मीडियम लेवल की ही गेमिंग कर सकेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लगभग 460,000 के आसपास Antutu स्कोर मिल जाते हैं। वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4 रैम और EFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है। सो परफॉर्मेंस के मामले में ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा डिसेंट देखने को मिलेगा। रही बात यहाँ पर स्मार्टफोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 6000mAh का एक बड़ा सा बैटरा दिया गया है। साथ ही ये फोन 25W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट प्रॉब्लम यह है कि आपको यहाँ पर बॉक्स के अंदर कोई एडेप्टर नहीं दिया गया है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाएगी। सो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल तो अच्छा है, लेकिन एडेप्टर होता तो और अच्छी बात होती। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ अदर फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 13 पर, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 साल के मेजर अपडेट्स देखने को मिलने वाले और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी फोन काफी अच्छा रहने वाला है। वहीं पर बात करें 5G बैंड्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 12+5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफी कमाल की बात है। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए इस समय आपको पे करने पड़ेंगे ₹15,999, बट अगर आप यहाँ पर बैंक ऑफर्स लगाते तो ये फोन आपको मिलेगा ₹14,499 की कीमत पर। तो देखा जाए तो सैमसंग की तरफ से आने वाला काफी कमाल का पैकेज है, तो आप चाहें तो इसे डेफिनेटली यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। 5G फोन हालांकि आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर काफी अच्छे हैं। साथ ही अगर हम फोन के डिस्प्ले की बात करें, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली TFT LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, 500 नीट्स की ब्राइटनेस दी गई है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको थोड़ी सी ठीक ठाक मिलेगी, और साथ ही आपको यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच भी मिलता है। रही बात फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप यहाँ पर ठीक है और आउटपुट भी काफी अच्छे निकल कर आते हैं। रही बात वीडियो आउटपुट की, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS, और बैक कैमरा से आपको यहाँ पर अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है अप टू 30 FPS। सो फोन का कैमरा परफॉर्मेंस यहाँ पर काफी अच्छा है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 8nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का चिपसेट, जो कि थोड़ा सा पुराना चिपसेट है, लेकिन अभी भी आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। Antutu की बात करें तो ये स्मार्टफोन लगभग 3 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि परफॉर्मेंस तो आपको अच्छी देगा ही, साथ ही साथ आप यहाँ पर अच्छी गेमिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और EFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो देखा जाए तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। वैसे पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और ये फोन 25W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, पर आपको यहाँ पर बॉक्स के अंदर कोई भी एडेप्टर नहीं मिलेगा, आपको एडेप्टर को अलग से परचेस करना होगा। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है, सो बैटरी मॉडल भी यहाँ पर अच्छा है। रही बात यहाँ पर स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी मिलेगा। और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, साथ ही एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी आपको यहाँ पर बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये फोन भी अप टू 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है। सो अगर आप एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो दोस्तों 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे ₹14,499, बट अभी आपको यहाँ पर कुछ बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं, जिन्हें अप्लाई करके ये फोन आपको इफेक्टिवली मिलेगा ₹12,999 की कीमत पर।
और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे भाई तो फोन काफी अच्छा है, आप चाहें तो इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों ये थे वो सैमसंग स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाते हैं अंडर 15,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट में, और सभी के अंदर आपको बढ़िया स्पेसिफिकेशन दी गई है, अच्छे खासे 5G बैंड्स दिए गए हैं और तो और अच्छे खासे कैमरास भी आपको मिल जाते हैं। तो देखा जाए दोस्तों तो सभी फोन काफी अच्छे हैं, आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।